हेलो जय हिंद नमस्कार वनडे मातम प्यार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर एम गुरुकुल पर साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे आप सभी को पता है कि अब यूपीपी पी को लेकर के बहुत दिन से इस के नहीं बचे हुए हैं इसी महीने के आपके लास्ट सप्ताह में आपकी तेईस चौबीस पच्चीस तीस और इकतीस अगस्त को यूपी पी रिग्जामिनेशन की डेट आपकी क्लियर हो चुकी है उसमें आपकी परीक्षा होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है साथियों आइए अभी बचे हुए समय में बहुत ही आवश्यकता है कि आपको बहुत ही सॉलिड चीज़ पढ़ने की और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही जल्दी से एक बार रिवाइज करने की तो समय के ना बर्बाद करते हुए आइए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी पैड स्क्रीन पर यह रहा कि बाएँ हाथ से काम करने वाला शाद्यांश के लिए एक प्रयोग है वाक्यांश के लिए कि बाएँ हाथ से काम करने वाला क्या कहलाता है ठीक पहला ऑप्शन दे रखा है शव्यसाची ऑप्शन नंबर दूसरा दे रखा है वामपंथी ऑप्शन नंबर तीसरा कर रहा वज्र पाड़ी या ऑप्शन नंबर चौथा का रहा वीड़ा पाड़ी तो आपको बताना ऐसा व्यक्ति जो बाएँ हाथ से काम करता है वह क्या कहलाता है मोस्टली हम लोग अपने दाएं हाथ से काम करते हैं राइट हैंड से काम करते हैं लेकिन कुछ लोग आप लोग देखे होंगे कि अपने बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से काम करते हैं लिखने का काम जैसे अन्य काम वो बाएं हाथ से करते हैं तो उन्हें कहाँ क्या कहा जाता है देखिए देहाती भाषा में इनको कहते हैं डेबरा क्या कहते हैं डेबरा लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इनको कहते हैं सव्य साची क्या कहते हैं सव्य साची यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा बाएं हाथ से जो काम करता है उनको कहते हैं शव्यसाची क्या कहते हैं बाएँ हाथ से काम करने वाले को शव्य सांची कहते हैं वज्रपाड़ी क्या होता है वज्र मतलब होता है गदा जिसके हाथ में गदा वो हो, हो, हो गया वज्रपाड़ी वीरा पाड़ी कौन है जिनके हाथ में वीड़ा है वो हो गई वीरा पाड़ी आपकी मसारद वास तो बाएँ हाथ से काम करने वाला क्या कहलाएगा वह कहलाएगा आपका सव्य साँची ठीक है चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है पहला कह रहा अंतर ध्यान दूसरा कह रहा अंतर ध्यान तीसरा कह रहा अंतर अंतर्धान चौथा कह रहा अंतर अंतर्धान ठीक तो इसमें बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है अंतर्धान की देखिए देखिये यहाँ से भी आपका शुद्ध वर्तनी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दो क्वेश्चन और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत थोड़े थोड़े अंतर करके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मात्रा बहुत थोड़े सा इधर उधर की जाती है तो इसमें ज़रूरत है बहुत ही समझदारी से बहुत ही ध्यानपूर्वक इसका आंसर लगाने के लिए तो यहाँ पर अंतर्धान की वटनी कौन सी शुद्ध है यह आपको बतानी है अंत में ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को जल जल कर कर अंतर्धान हो गए तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा यह आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अंतर्धान कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा यह जा बन जाएगा आपका अंतर्ध्यान ठीक है तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है देख लिया अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है इस विषय पर बात हो गई है चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मृषण का विलोम क्या है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका मृषण का विलोम क्या है ऑप्शन नंबर पहला करा सुखवार ऑप्शन नंबर दूसरा करा चिक्कड़ ऑप्शन नंबर तीसरा करा नरम या ऑप्शन नंबर चौथा करा रूक्ष तो मृषण का विलोम क्या होगा तो देखिए मृषण का अर्थ होता है चिकना क्या होता है चिकना और चिकने का अपोजिट क्या हो जाएगा चिकने का अपोजिट हो जाएगा रुक्ष क्या हो जाएगा रुक्ष तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर चौथा जो है वह हो जाएगा करेक्ट आंसर कि मृषण का विलोम हो जाएगा आपका रूक्ष क्या हो जाएगा रुक्ष हो जाएगा रुक्ष मतलब क्या हो जाएगा जो चिकना ना हो उसको कहेंगे रूक्ष ठीक है तो मृषण का विलोम क्या हो जाएगा हो जाएगा आपका रूक्ष चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है वसुधा का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है विपुला ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है सरवरी ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है धेनुका ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है सुनी तो इसमें वसुधा का पर्यायवाची कौन सा है यह आपसे पूछा हुआ है यह भी क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा हुआ था एग्जाम में तो इस वजह से यह आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो देखिए जो वसुधा का पर्यायवाची बनेगा वह बन जाएगा आपका विपुला क्या बन जाएगा विपुला यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यह हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि वसुधा का पर्यावाची हो जाएगा हमारा विपुला ठीक है सरवरी किसका होता है तो रात्रि का निशा रात्रि ये सब और रात का हो जाता है पर्यावाची सर्वरी पैसनी हो जाता है नदी का सरिता का टटनी का ठीक है कर्पट का तत्भव रूप क्या है कर्पट का तत्भव रूप क्या है पहला आप रहा है कपट दूसरा कह रहा कारपेट तीसरा करा कपूर या चौथा कह रहा कपड़ा तो आपको बताना है कर्पट का तत्भव रूप क्या है ठीक है तो देखिए कर्पट आपका कैसा शब्द है एक तत्सम का शब्द है इसको तद्भव भाषा में क्या कहा जाता है इसका तद्भव रूप क्या है वह आपको बताना है जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं वह आपको बताना है कि कर्पट का तद्भव रूप क्या बन जाएगा तो याद रखिएगा कर्पट का तद्भव बन जाएगा कपड़ा क्या बन जाएगा कपड़ा बन जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा <coughs> तो यहाँ से आपके तद्भव और तत्सम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में चलते हैं आगे आज के हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि तत्काल कविता करने वाला कवि क्या कहलाता है वाक्य आंसरों के लिए एक शब्द है पहला ऑप्शन करा सुकवि दूसरा करा रसिद्ध कवि तीसरा करा महाकवि या चौथा कर रहा आंसु कवि ठीक है एक ऐसा कवि जिसके सामने वस्तु आती विषय वस्तु आती है तो तत्काल उस पर कविता कर देता है उसको क्या कहेंगे ठीक हालांकि कविता करना लिखना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कला होती है जिसके पास होते बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति होता है वह तो तत्काल कविता करने वाला कवि क्या कहलाता है ठीक कि विषय वस्तु तो सामने आई और त्वरित तो उस पर क्या किया कविता कर दिया कुछ लाइनें लिख दिया चार लाइनें लिख दिया उस पर तो तत्काल कविता करने वाला कवि कहलाता है आशु कवि क्या कहलाता है आशु कवि यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हमारे यहाँ पर करेक्ट बनने वाला है और इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यानी तत्काल कविता करने वाला कहलाता है आशु कवि क्या कहलाता है आशु कवि ठीक है चलते हैं आगे आज के हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है ठीक है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं ठीक है तो उनको क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर एक कह रहा है मितभाषी ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है मृदुभाषी ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है बहुभाषी या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आभाषी तो कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं यह आपको बताना है कि कम बोलने वालों के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा तो देखिए यहाँ पर क्या आपका करेक्ट बन जाएगा यह आपका मृदभाषी नहीं होगा मृदभाषी मतलब क्या मृद मतलब मीठा ठीक है मीठा बोलने वाला मृदभाषी मधुर बोलने वाला बहुभाषी अधिक बोलने वाला ये भी नहीं होगा तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी कि मित भाषी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ठीक है चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भिक्षुक कविता के रचयिता हैं बहुत बढ़िया कविता है आपकी पहला ऑप्शन कह रहा है जयशंकर प्रसाद दूसरा कह रहा सुमित्र नंदन पंत जी ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है महादेवी वर्मा जी ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा निराला तो इनमें से सही कौन सा हो जाएगा कि भिक्षु कविता के रचयिता हैं ठीक भिक्षु कविता कुछ इस प्रकार है वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक ठीक तो यह आपकी भिक्षुक कविता इसके रचयिता कौन है यह आपको बताना है तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका निराला कौन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भिक्षुक कविता के रचनाकार हैं जयशंकर जी की बात किया जाए तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन रचना हो जाएगी आपकी लहर हो जाएगी झरना हो जाएगी और आजाद शत्रु हो जाएगी आपका इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है ठीक तितली हो जाएगी सुमित्र पंत जी की बात किया जाए तो चिदम्बरा में पल्लव जैसी अनेक रचनाएं इन इनकी लिखी हुई हैं महादेवी वर्मा जी की बात किया जाए तो महादेवी वर्मा भी जो मेरा परिवार गिल्लू जैसे अनेक कहानियाँ लिखी हुई हैं ठीक तो यहाँ पर भिक्षु कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे वह हो जाएंगे आपके निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर रहा, बालों को खोल कर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज में कौन सा अलंकार होगा भाई वह कि बालों को खोल कर मत चला करो एक प्रेमी है अपने प्रेमिका से कह रहा है कि अब बालों को खोल कर मत चला करो दिन में रास्ता कौन भूल जाएगा सूरज भूल जाएगा ठीक ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है लाटानुप्रास ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा रूपक रू। अलंकार ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा अतिशयोक्ति अलंकार या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा वक्रोक्ति अलंकार तो इसमें से कौन सही हो जाएगा यानी कि इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया गया प्रेम प्रेमका के बाल को कि उसमें कौन भूल जाएगा दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज सूरज भी क्या करेगा रास्ता भूल जाएगा है ना करना तो भाई झील सी आँखें यानी आँखों ही झील बना दिए सर बटी तेरी आँखों से झील की गहराई में डूब जाऊँ इस तरह से भी गाने बने हुए हैं तो बालों को खोल मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है हाइपरबोल और जहाँ पे किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ पर होता अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर हो जाएगा आपका लाटानुप्रास क्या होता है कि जब किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति होती है पर उसका तात्पर्य अलग हो वहाँ पर हो जाता है आपका लाटानुप्रास रूपक अलंकार कौन सा हो जाता है जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो वहाँ पर हो जाता है रूपक अलंकार और वक्रोक्ति की बात करें तो वक्रोक्ति में जब वक्ता किसी दूसरे आशय से किसी शब्द को कहे लेकिन श्रोता क्या श्रोता क्या करे उसको तो किसी दूसरे अर्थ में समझ ले वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार खैर यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा अतिशोक्ति अलंकार बालों को खोल कर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज वाह भाई चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कर वीर रस का स्थायी भाव क्या है ऑप्शन <coughs> नंबर पहला करा रति ऑप्शन नंबर दूसरा करा उत्साह ऑप्शन नंबर तीसरा करा हास या चौथा करा परिहास तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा तो देखिए जो वीर का स्थायी भाव बनेगा वह बनेगा उत्साह क्या बन जाएगा उत्साह बन जाएगा ठीक है रति किसका बन जाएगा तो रति बन जाएगा श्रृंगार रस का किसका है श्रृंगार रस का स्थाई भाव है रति हास की बात किया जाए तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य परिहास अभी तक तो नहीं सुनने को मिला किसी रस का स्थायी भाव हो तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका उत्साह क्या हो जाएगा उत्साह करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रथ का हो जाएगा श्रृंगार और इसका हो जाएगा हास्य ठीक हाँ सर उसका चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पानी पीकर जात पूछना का क्या अर्थ है पहला अनोखा काम करना दूसरा विपरीत काम करना तीसरा है काम निकलने के बाद सोचना या ऑप्शन नंबर चौथा आराम से विचार करना तो पानी पीकर जात पूछने का सही अर्थ क्या हो जाएगा ठीक इस समय संसद में इस पर बहस भी चल रही बवाल चल रहा है जाति गठना आदि को लेकर के कि पानी पीकर जात पूछने का सही अर्थ क्या है तो देखिए इसका साफ और सीधा अर्थ हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना क्या काम निकलने के बाद सोचना तो इसको कहते हैं पानी पी कर के जाँच पूछना क्या कहते हैं पानी पी करके जाँच पूछना यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा काम निकलने के बाद सोचना बहुत बढ़िया चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पति और पत्नी के जोड़े को क्या कहते हैं पहला खरा दम पति दूसरा खरा दम पति तीसरे तीसरा ऑप्शन कह रहा है दंपति या चौथा कह रहा है दंपति तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा वह आपको बताना है तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि दंपति ऐसे जो वर्तनी आपकी लिखी जाएगी आपकी करेक्ट हो जाएगी तो पति और पत्नी के जोड़े जोड़े को कहते हैं दंपति क्या कहते हैं दंपति कहते हैं चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि शिव और पार्वती में कौन सा समास है पहला कह करा दिगू समास दूसरा कह करा कर्मधारय समास तीसरा कह रहा बहुब्रीह समास चौथा कह रहा द्वंद्व समास तो देखिए जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है कर्मधारय में विशेषण और विशेष से होता है यह भी नहीं है बहुब्री में क्या होता है जब दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पर बहुब्रीह समास हो जाता है चौथा आपने कहा द्वंद समास यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा द्वंद्व समास क्योंकि जब हम शिव और पार्वती का समास विग्रह करेंगे तो इसका बन जाएगा भगवान शिव और पार्वती तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन सा द्वंद्व समास के रूप में देखने को मिलेगा तो इस तरह से यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा कि यानी शिव और पार्वती के बीच में कौन सा समास है तो वहाँ आपका द्वंद समास देखने को मिलता है बहुत बढ़िया आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर अवकारा पुरस्कार में कौन सी संधि है ऑप्शन नंबर पहला करा स्वर संधि ऑप्शन नंबर दूसरा करा व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर तीसरा करा विसर्ग संधि या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं <coughs> देखिए पुरस्कार में कौन संधि हो जाएगी पुरस्कार में क्या करेंगे जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा पूरा प्लस कार। क्या बन जाएगा पूरा और प्लस्कार करने पर बन जाएगा हमारा पुरस्कार ठीक तो यहां पर जब आपको विसर्ग का चिन्ह देखने को मिल गया तो यह जाहिर सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगी कौन सी हो जाएगी विसर्ग संधि और पुरस्कार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा पुरा प्लस कार करने पर बन जाएगा पुरस्कार <coughs> चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आज का लास्ट क्वेश्चन कारा पुल्लिंग शब्द है वर्षा रात गांव या नींद ठीक है देखिए जब आपको कोई आ, कहीं पर आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आपको छाटना हो तो आप उसमें जो विकल्प दिए गए हैं उनका वाक्य प्रयोग कर लीजिए जैसे क्या कि पहला अगर हम देखेंगे कि वर्षा वर्षा हो रही है ठीक है क्या है वर्षा हो रही है वर्षा हो रहा है, है कोई नहीं होता है तो मानी हुई बात है कि वर्षा क्या हो जाएगी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी क्या हो जाएगी स्त्रीलिंग हो जाएगी ठीक है स्त्रीलिंग रात हो गई है क्या हो गई है रात हो गई है रात हो, है? रात हो नहीं गया है ठीक रात काली होती है ठीक है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग और नींद क्या आता है कि आती है नींद आती है क्या आती है नींद नीर आती है यानी ये भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है ठीक और गांव क्या होता है गांव होता है ठीक पीपल किनारे नदी किनारे एक गांव बसा हुआ था तो गांव हो जाएगा आपका पुल्लिंग बाकी हो जाएगा स्त्रीलिंग उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी थोड़ा फीवर और कोल्ड की वजह से आवाज बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हो आप लोगों को इसके लिए क्षमा चाहता हूँ लेकिन इसके साथ ही साथ पूरी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग पसंद आई होगी आप लोग चैनल सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे मिलते मिल अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार